भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने हाल ही में एशिया कप 2023 के लिए अपनी स्क्वाड का ऐलान किया। इस स्क्वाड में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, KL राहुल और श्रेयस अय्यर की लंबे समय के बाद वापसी हुई, जिसकी वजह से टीम इंडिया बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मजबूत नजर आ रही है। हालांकि इस टीम में युजवेंद्र चहल और आर अश्विन जैसे कुछ बड़े खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को बैकअप प्लेयर के तौर पर एशिया कप का हिस्सा बनाया गया है, यानी वो टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, लेकिन किसी खिलाड़ी के चोटिल होने के बाद ही वो मेन स्क्वाड का हिस्सा बन पाएंगे। संजू सैमसन को मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाने पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर लगातार फैंस से लेकर पूर्व खिलाड़ियों के निशाने पर हैं, और ये मामला अब बॉर्डर के पार यानी पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां से पाकिस्तान टीम के पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने टीम इंडिया की एशिया कप स्क्वाड पर सवाल उठाए हैं। दानिश कनेरिया का मानना है कि संजू सैमसन की जगह KL राहुल को रिजर्व खिलाड़ी बनाना चाहिए था। दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा, KL राहुल को एशिया कप के लिए रिजर्व खिलाड़ी होना चाहिए था। भारत ने पावर हिटर संजू सैमसन को अपनी टीम में रिजर्व बल्लेबाज बनाया है। KL राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके कारण उन्हें अपनी जगह गंवानी पड़ी थी। इसके बाद वो IPL में भी रन बनाने में असफल रहे हैं। बाद में वो चोटिल भी हो गए। ठीक होने पर उन्हें एक बार फिर से टीम में जगह मिली। ये ठीक नहीं है। अगर भारत ने KL राहुल को एक और मौका दिया है तो संजू सैमसन को भी टीम में होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि KL राहुल भारत के लिए इतने बड़े नाम बन गए हैं कि उन्हें वो बाहर नहीं कर सकते। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए दानिश कनेरिया ने कहा, संजू सैमसन को एक बार फिर ड्रिंक्स ले जाने होंगे, जिसे देखकर लोग कहेंगे कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन्हें पर्याप्त मौके दिए गए, जिन्हें वो दोनों हाथों से लपकने में सफल नहीं हो सके। जाते जाते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड पर। तो इसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, KL राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का नाम शामिल है, जबकि बैकअप खिलाड़ी में संजू सैमसन मौजूद रहेंगे। वैसे क्या आपको भी ऐसा लगता है कि KL राहुल को संजू सैमसन की जगह एज अ बैकअप प्लेयर रखना चाहिए था, या BCCI का निर्णय आपके हिसाब से बिल्कुल सही है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।